व्यापम द्वारा 2017 का प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर है, जो कि सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, जो कि 30 अंकों का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यह आपको जानने में मदद करेगा कि किस प्रकार एडीओ का 2017 का एग्जाम हुआ था। आगे आगामी 2022 में एडीओ का एग्जाम होने वाला है, तो उनकी तैयारी के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ताकि एडियो की क्लास आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। 30 अंकों का 30 प्रश्न पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन से। तो आज का टॉपिक है सामान्य ज्ञान। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी होगा, 22वां संशोधन अधिनियम 1969। चलिए अगला देखेंगे। देखिए यहाँ पर इसका डिटेल जानकारी आपको दे देता हूँ मैं। डिटेल जानकारी यह है कि संविधान में आज तक अनेक संशोधन किया जा चुका है, उसमें से एक 22वां संविधान संशोधन, जिसे असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है। 22वां संशोधन अधिनियम 1969 में संयह किया गया था। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए थे। तो कौन सा होगा इसका आंसर, पुद्दुचेरी। कौन सा होगा, पुद्दुचेरी होगा। चलिए अगला देखेंगे। 30 अंकों का 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछा जाता है। चलिए तीसरा देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, कर्नाटक। इसका आंसर डी होगा। चलिए अगला देखेंगे। एडीओ की क्लास है 2017 का प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर। यह आपको जानने में मदद करेगा कि किस प्रकार एडीओ का एग्जाम 2017 में सामान्य अध्ययन से पूछे गए थे, और 2022 में एडीओ का एग्जाम होने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, निम्नलिखित आईएएस अधिकारी में से कौन सा भारत का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, प्रमुख अधिकारी होता है तो कैबिनेट सचिव होगा। कौन सा होगा, कैबिनेट सचिव। इसका आंसर कौन सा होगा, ए, कैबिनेट सचिव होगा। चलिए अगला देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है। जो देखिए यहाँ पर सामान्य परिस्थिति में बोला गया है कि एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार किसके पास होता है, तो वो नगर आयुक्त के पास होता है। चलिए अब देखते हैं अगला, छठवां प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश के किस दिशा की ओर यह राज्य छत्तीसगढ़ में स्थित था। तो यह दक्षिण पूर्व में स्थित था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, ठीक बात है। इतने मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा खनिज है जो राज्य में उपलब्ध नहीं है, तो इसका आंसर है कौन सा होगा, मैंगनीज, जो कि यह खनिज छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध नहीं है। बाकी यह कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट तीनों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आप सभी को पता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है,
तीरथगढ़ जलप्रपात, ओके तीरथगढ़ जलप्रपात है। तीरथ जलगढ़ प्रपात बस्तर जिले के मुनगाबहर नदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुनगाबहर नदी में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? तो सबसे अधिक विस्तृत कौन सा है? तो सिरगिट्टी आ जाएगा इसका आंसर, जो कि सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। इसके बाद दसवां प्रश्न देखेंगे कि इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किन के नाम पर है? तो ये हिदायतुल्ला के नाम पर है, हिदायतुल्ला के नाम पर है। इसके बाद बोला गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। बारहवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य के संस्कृति के आधार पर है? तो जनजाति जीवन शैली ये तो होगा, कृषक परंपराएं भी है, विभिन्न धर्मों का संगम, यानी कि ये तीनों होगा इसका आंसर, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के संस्कृति के आधार पर जनजाति जीवन शैली है, कृषक परंपराएं हैं, कृषक का मतलब होता है कृषि परंपरा, विभिन्न धर्मों का संगम, विभिन्न धर्मों का संगम होता है, ये यानी कि तीनों सही हैं। इसके बाद देखेंगे कि प्राचीन काल में इस राज्य के शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ये बार बार पूछा गया है, ये अभी का जैसे एग्जाम हुआ था 2022 में या 21 में जो भी हुआ होगा उसमें एग्जाम में आया था, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सोम वंश। अगला है इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें कौन सा था जिसके शासन काल में यूरोपीय कोलब्रुक आया था? तो कौन आया था कोलब्रुक, किसके शासन काल में आया था? केशव गोविंद के शासक काल, है ना। चलिए अगला देखेंगे, 15 प्रश्न है। इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें कर्मवीर पत्रिका कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? तो इस माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा इसका आंसर, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान इसमें कर्मवीर की पत्रिका का संपादक गिरफ्तार हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था? ये दुर्ग जिले में आग लगाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद 17 क्वेश्चन देखेंगे, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक पर्यटन स्थल सिरपुर में है? तो सिरपुर में है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? महासमुंद आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे 18 प्रश्न, इस राज्य के स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, चक्रधर समारोह। तो चक्रधर समारोह किसके आयोजन पर किया जाता है? रायगढ़ जिला आ जाएगा, कौन सा आएगा? रायगढ़ जिला आ जाएगा। 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा इस राज्य के शीर्ष महिला लोक गायिका है? तो लोक गायिका कौन है? ममता चंद्राकर हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 20वां प्रश्न है कि इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? तो ये कर्म नृत्य पर आधारित है। देखिए यहाँ पर जनजातीय लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ लोक नृत्य किया जाता है, कृषि परंपरा पर आधारित है बोला गया है, तो कृषि परंपरा पर कर्म नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? कृषि पर कर्म नृत्य किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, इसका पार्ट 2 में डिवाइस किया गया है, तो पार्ट 2 में इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे। चलिए
है ना, क्लास करते रहिएगा, डेली आपको क्लास कराया जाएगा। शाम 5 बजे से 8 बजे तक रहती है, 3 घंटे की क्लास रहती है, ऑनलाइन क्लासेस रहती है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन के नीचे, टेलीग्राम भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन के नीचे, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।